नमस्कार दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा। माफ़ करना, आप कह देते हैं दादाजी तो चैनल पर आते ही धमकाना शुरू कर देते हैं। बेटे लोगों, मैं धमका नहीं रहा हूँ आपको। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कमा के खाना सिखाना है। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ और वो सच्चाई ये है कि भूल जाओ नौकरी करना। सिर्फ एक बार ये बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ करके देखिए आप। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, यूनिक बिजनेस तो नहीं कह सकते इनको, मगर ये आपके शुरुआती कर्म क्षेत्र के लिए बहुत शानदार बिजनेस है। क्यों करते हैं आप नौकरी? भले घर के लड़के हैं, मेरा कहने का मैं ये मतलब नहीं है कि बुरे घर के लोग ही नौकरी करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको किसी कंपटीशन में सफलता नहीं मिली है, यदि आप अब तक कोई नौकरी नहीं लग पाए हैं, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, प्राइवेट नौकरियां करने की तो मैं राय ही नहीं देता, क्योंकि आखिर मिलता क्या है उनमें? 12 से 15 हज़ार, 17 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार तक तो एमए पास लड़के नौकरी करते हैं, और वो भी अपने गांव से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर जाकर। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है। बेटा क्या काम करता है? आजकल हैदराबाद नौकरी कर रहा है। अच्छा, हैदराबाद, और आपके घर से कितनी किलोमीटर दूर है? साहब 1400 किलोमीटर दूर है। अरे 1400 किलोमीटर दूर, और वो नौकरी क्या नौकरी कर रहा है? पता नहीं, अब ये तो मेरे को क्या दे देता है तुम्हारे को पता नहीं। अभी तो गया है, 12 महीने हो गए, अब की बार आएगा तब पता चलेगा। और आने के बाद पूछते हैं, बेटा क्या कमा के लाया 12 महीने में? साहब कुछ नहीं कमा के लाए, 7,000 रुपये टोटल दिए हैं। अच्छा, क्यों भेजा भाई आपने इतने दिन? क्यों सब्र किया 12 महीने का टाइम, और वो भी एक संतान को अपने से इतनी दूर रखना छोटी बात है? कैसे सब्र हुई आप में? यहीं आसपास में बहुत धंधे थे, यहाँ कोई नौकरी नहीं थी साहब। अरे तो नौकरी नहीं थी तो क्या हुआ, कोई बिजनेस कराते थे? क्या बिजनेस कराएं साहब, समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं आ रहा, तो घर से निकल के देखो आपके आसपास में मोहल्ले में कोई बिजनेस चल रहे हैं? हाँ खूब चल रहे हैं साहब। कैसे चल रहे हैं? वो फला हमारे मौलवी साहब है, उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। काहे की दुकान कर रखी है? किराने की। अच्छा, और इधर बाई तरफ में ये दुकान वो शर्मा जी की दुकान है, वो किस चीज़ की है? वो जनरल स्टोर है, वो भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये इधर ये आटा चक्की है इधर, अच्छा वो भी अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही है साहब। तो ये इधर ये कारखाना सा क्या चल रहा है, खटर पटर क्या हो रही है? बोले साहब यहाँ लकड़ी का कारखाना है। वो कौन कर रहा है? एक साधारण सा आदमी है साहब, पिछले साल किया था, अब की बार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो क्या ये सारे बिजनेस नहीं है? अरे साहब ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया कभी, अब की बार आने तो छोरे को, मैं इन्हीं में से कोई बिजनेस करा के बैठा दूंगा, और मेरे घर के तो सामने जगह पड़ी है, मेरी खुद की जगह है, वहाँ एक दुकान बना दूंगा छोटी सी और चलने लग जाएगा। शर्मा जी आप इतने दिन क्यों नहीं मिले मेरे को? ऐसे सवाल मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी होते होंगे। मैं कहना चाहूँगा आपके आसपास बहुत से ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, बहुत से ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया हैं जो यूनिक नहीं हो सकते, बरसों से हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और लोग अच्छा कमा रहे हैं, और आप नौकरी के पीछे फिर रहे। मैं कहता हूँ भूल जाओ नौकरी, प्राइवेट नौकरियों में कोई दम नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें एक स्थायित्व आता है, ये मान के चलते हैं लोग कि एक बार नौकरी लग गई तो बरसों तक कमा के खा सकते हैं, वहाँ तक तो सही है ये बात। मगर ये प्राइवेट नौकरियाँ क्या है? आज सेठ जी को आपने पानी का गिलास नहीं पकड़ाया, सेठ जी नाराज। आज एक दिन आपके बुखार हो रही है, नहीं गए, सेठ जी ने डांट दिया, दीपावली का टाइम है तुम नहीं आए, कल से मत आना। क्या है इन नौकरियों में? भूल जाओ इन बातों। नमस्कार।